हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित सैनी और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे टेक माली। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कार लिनक्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसमें उसको ट्रीट कैसे करें और उससे प्रॉब्लम से अपन फेस कैसे करें और उसको सॉल्व कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी पेन ड्राइव को बूट करूँगा। देन कार लिनक्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं सीधा ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाऊँगा, क्योंकि नॉर्मल इंस्टॉल पे थोड़ा ग्राफिकल ग्राफिकल अच्छा आ जाए, मतलब यू नो। सो ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाना है अपन को। देन अपन को अपना कार लिनक्स चल जाएगा, अपनी मेन मेन्यू आती है। फ्रेंड्स, कार लिनक्स सबसे बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है फॉर बिगिनर्स के लिए। अपन बिगिनर्स पे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि लोग बागों को पता नहीं है कि कार लिनक्स में अभी नई नई क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है कार लिनक्स में, इसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। सो अपन ने पहले लैंग्वेज इंग्लिश चूज करी, देन कंट्री इंडिया, देन अपन ने अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड टाइप में। देन उसके बाद अपने सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाएगी अपने पास, यहाँ अपने सीडी रोम है जो अपन ने पेन ड्राइव लगाई है वो माउंट होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन अपनी पेन ड्राइव निकाल के और वापस लगा देंगे और फिर इसको यस पे क्लिक करके और फिर अपन कर देंगे कंटिन्यू पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंपोनेंट लोडिंग्स हो रहे हैं और ये आप देख रही है। तो मैं क्या बोल रहा था, सो सेकेंड दिक्कत अब यहाँ आएगी हार्डवेयर नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट में, क्योंकि दिक्कत ये आएगी फ्रेंड्स में, क्योंकि जैसे आपके सामने आ रहा होगा ये RTL और ये मतलब मिसिंग फ्रेमवेयर फाइल, और अब आप सोचोगे इसमें क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, दिक्कत हो गई। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। मैं भी पहले से सोचता था इसमें क्या हो गया क्या हो गया, बाद में पता चला जब ये होता है इसमें कि इसमें रियल टेक के अपने मैक्सिमम अपने इंडिया में इंडियन PCs में है ना, ज़्यादातर ड्राइवर्स और मतलब रियल टेक के ही प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अपन को रियल टेक के तो और इसके अंदर है ना कार लिनक्स में डेबियन ने ना रियल टेक के जो ड्राइवर्स पहले के आते हैं नॉन फ्री फ्रेमवेयर्स के, वो हटा दिए, नॉन फ्री के कर दिए है ऐसा कुछ है, मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। सो इसके अंदर अपन को नो करना है। ठीक है, देन कंटिन्यू और फिर ये वापस ये डिटेक्ट करेगा अपने नेटवर्क हार्डवेयर्स को तो करेगा, बट फिर भी अपन को जाना है गो बैक पे क्लिक करना है और फिर अपन को जाना है सेटअप रूट सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड पे, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पासवर्ड डालना है अपन को, देन अपन को करना है कंटिन्यू। मैं अपनी इस वीडियो को लंबी नहीं खींचूंगा ज़्यादा, वरना सब लोग बोर हो जाएंगे। सो अपन को फिर से गो बैक पे जाना है, क्योंकि अपन को ये वहाँ पर लाके उसी प्रोसेस में वापस छोड़ देगा। तो अपन वापस घूम और फिर अपन को जाना है डिटेक्ट डिस्क पे, फिर करना है अपन कंटिन्यू। अब अपने सारी डिस्क डिटेक्ट हो जाएगी। तो अब आता है सेकंड चीज, यहाँ पर अपन को ये लोग ज़्यादातर बताते हैं यूज़ एंटायर डिस्क पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिस्क में थोड़ी उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, उनके डुअल बूटिंग सिस्टम नहीं चलता और उनकी करप्ट फाइल्स हो जाती है, अपने थोड़ी फाइल्स उठ जाती है अंदर की। तो इस वजह से अपन करना है मैनुअल पे। ठीक है, तो ये यूज़ एंटायर डिस्क का मतलब पूरी डिस्क यूज़ लेगा कार लिनक्स, सारी डिस्क में अपनी फाइल्स होगी उसकी, है ना। यूज़ एंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM, LVM का मतलब होता है लोकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ये चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सेटअप एंड इनक्रिप्टेड LVM, तो इनक्रिप्टेड इनक्रप्शन बट LVM का ही पार्ट होगा, बट ये थोड़ा इनक्रिप्टेड हो जाएगा बस, इसमें ऐसे ऐसे सिक्योरिटी लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देन अपन करना है मैनुअल पे, फिर आ जाए खुल जाएगा अपने सामने ये। तो इसमें अपन को देखनी है अपने पास जो अपन ने ड्राइव्स, अगर अपने पास खाली पड़ी है तो अपन को न्यू बना लो, और अगर अपने पास नहीं है जैसे अभी ये है, ठीक है, तो इसको अपन इस पर डबल क्लिक करो, ये क्लिक करो, इस पे नहीं बनेगी क्योंकि मेरे पहले से ही पार्टीशन डिस्क पार्टीशन बना हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर में आप सब लोगों को पता ही होगा कि 3 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनते, लॉजिकल एक है मेरे पास,
तो चार पार्टीशन ज़्यादा नहीं बनते, लॉजिकल शायद ज़्यादा बना लो बट ये लॉजिकल नहीं बनेगा, है ना। और बीच में भी दिक्कत आती है कि बीच में ये हो जाता है। अपन को जाना है अपनी जो भी पार्टीशन आपका खाली हो, जो भी आपने सेलेक्ट कर रहा हो, अब उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है डबल, ठीक है। फिर जाना है यूज़ एज, फिर पहले फिर अपन को फॉर मतलब पार्टीशन का जो फॉर्मेट होगा, जो फाइल सिस्टम होगा उस पर क्लिक करना है। अपन फाइल सिस्टम EXT2 लेंगे, EXT2 फाइल सिस्टम, देन कंटिन्यू। फिर जाना है फॉर्मेट पार्टीशन, फिर इस पर येस फॉर्मेटेड, देन माउंट पॉइंट भी जाना है, माउंट पॉइंट अपन को स्लैश डालना है, ओके। देन जाना है डन विद दिस, देन सेटिंग अप द पार्टीशन, ठीक है। फिर जाना है अपन को फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस ऑन डिस्क, ठीक है। देन जाता है अपन वापस अपन पार्टीशन पे जाना चाहेंगे तो अपन जाना चाहेंगे, नहीं हम नहीं जाना चाहेंगे, और राइट टू चेंजेस यस। अब ये पार्टीशन फॉर्मेट होगा, पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। मैं ये था कि कालिनक सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बिगिनर्स के लिए। वैसे पैरेट भी है, मैं आपको सेकंड वीडियो अपनी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर मैं पैरेट भी यूज़ करता हूँ, कालिनक्स भी यूज़ करता हूँ। कालिनक्स में ये है वो ड्यूरेबल है, अपने सबसे मतलब कम्युनिकेट करने में इंटरेक्शन इंटरफेस उसका अच्छा है, और अपन को इजीली अपन को हर चीज़ समझ में आती है, इस वजह से कालिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है। तो मैं आपको आने वाले टाइम में इसके कालिनक्स की मेरे पास A to Z चीज़ें पड़ी है, मैं आपको हर एक टूल्स के बारे में यूज़ कैसे करते हैं हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो आपके आगे आने वाले के लिए बढ़िया ही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कालिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, बस ख़त्म होने वाला है। काली के बारे में ये मतलब 64-bit आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वो यूज़ एन नेटवर्क मिरर, ओके। तो अपन यूज़र नेटवर्क मिरर में अपन को नो करना है, क्योंकि अगर अपना इंटरनेट से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता अभी तो अपन यस करते हैं, क्योंकि वो अपने आप मतलब मिरर ले लेगा, ठीक है, बट अभी नहीं लेगा इसलिए अपन को दिक्कत आएगी, इसलिए अपन को नो करना है, ओके। देन आता है कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगा रही है, आ जाओ काली जी, आ जाओ। काली जी नहीं आ रहे, नाराज हो गए, काली जी सब लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ जी, आ गए। अपना ये ग्रैब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। ग्रैब बूट लोडर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्रैब बूट लोडर एक बूट लोडर की तरह काम में लेता है, जिसमें अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पीसीज में वो सबका बूट लोडर, सबकी जो लोडी फाइल होती है वो लेके और अपन को एक मेन स्क्रीन पे प्रोवाइड करवाता है, जिससे अपन को मदद मिलती है कि अपन को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है। अगर ये नहीं होगा तो अपना कालिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, मतलब कंप्यूटर में तो होगा, पीसी में तो होगा, बट वो आगे उसकी फाइल से ना वो शो नहीं करेगी, क्योंकि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो बूट लोडर है वो मास्टर बूट लोडर होता है, तो वो शो करेगा अपन को, बट ये नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो कालिनक्स की फाइल ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि वैसा भी है। तो अपन ये इंस्टॉल होगा तो अपन को इसमें वो यस करना है, मास्टर बूट लोडर की तरह यूज़ करना है अपन को, तो इसलिए अपन को यस करना है। तो अपन को जाना करना है कंटिन्यू पे। फिर आता है मैनुअली एंटर मैनुअली डिस्क, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ मैं एंटर मैनुअली डिस्क कैसे होगा। इसके अंदर देव VTB अपन जो भी अपने पार्टीशन का नाम होगा वो इसे इंस्टॉल करना है, बट अपन को अभी ऐसा नहीं करना है, अपन को सिर्फ बैक जाना है और यस पे क्लिक करके, और अपन को SDA, अब एक बार देख लीजिएगा कि आपकी जैसे आपके अगर दो हार्ड डिस्क रहने तो आपकी दो हार्ड डिस्क बता देगा, और आपको एक ही हार्ड डिस्क, ये तो मेरी हार्ड डिस्क है और ये मेरी पेन ड्राइव है सैनडिस्क की, ठीक है। तो मुझे अपनी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना है, तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करके मैं कर दूंगा कंटिन्यू, देन ये बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, ये मेरा बूट लोडर इंस्टॉल हो चुका है। अब फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, जो लास्ट प्रोसेस होता है वो हो रहा है। फ्रेंड्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश हो चुका है, इंस्टॉल पूरा हो चुका है, अब करेंगे कंटिन्यू तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लाइव पैकेट जो अपने इंस्टॉल हो चुके हैं उसको रिमूव कर रहा है और पूरा फिनिशिंग कर रहा है। दोस्तों इतनी देर में रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप लोगों से,
कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हैकिंग की, मैं आगे आने वाले टाइम में हैकिंग की एक वेब सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिससे अपनी मैं जो रियल जो मैंने आज तक मैंने अपनी हैकिंग करी है उनके मैं अपनी वीडियोस डालूंगा, जो रियल हैकिंग में बैठ के लोगों के घरों पे जाके जो करता हूँ, और जो कभी कई कंपनीज में जो मैंने करी है उनकी, तो मैं आपको प्रैक्टिकल हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ की डिटेल दूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट रहिए। ये मेरा कालिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पीसी रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले आपके सामने मेन स्क्रीन आएगी। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, पर तो सबसे फिर बस एंटर मारना है। तो आपने देखा होगा सबसे नीचे नीचे थर्ड ऑप्शन पे विंडोज़ 8 आ रहा था, तो मैंने अपने ड्यूअल बूटिंग सिस्टम करा है। तो मेरा विंडोज़ 8 का भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, और सब चीज़ें परफेक्टली चल रही है। सो फ्रेंड्स, मेरी कॉल लेने की स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टे विथ मी, थैंक यू, बाय। और मैं बता दूँ, चालू तो हो चुकी है मेरी। ये मेरा आ गया है यूज़र नेम, इसमें डालो रूट, एंटर पासवर्ड, आ गया आ गया आ गया, चल गया, चला नहीं चला, चल गया, हो गया। सो फ्रेंड्स, आई हैव डन, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सो जाओ, सो अगर सुबह रात को देख रहे हो तो सो जाओ यार।